महासागरों के वैज्ञानिक अध्ययन और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए भारत तीसरी पीढ़ी के एसोसिएशन सेट का प्रशिक्षण शनिवार को करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का लोकप्रिय रॉकेट PSLV-C54 इसे 8 अन्य नैनो उपग्रहों के साथ पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। इस मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। यह प्रशिक्षण सुबह 10:26 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रस्तावित है। बता दें कि 44.4 मीटर ऊंचे रॉकेट का यह PSLV-XL प्रारूप है, जिसमें 321 टन लिफ्ट ऑफ मास यानी खुद रॉकेट बूस्टर प्रोप्लांट उपग्रह व उपकरणों की अंतरिक्षी में ले जाने वाली क्षमता है। रॉकेट की यह 24वीं उड़ान होगी। इसके मिशन में से एक इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें रॉकेट दो कक्षाओं में उपग्रह ले जाएगा। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद एसोसिएशन सेट धरती से 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे छोड़ा जाएगा। इसके बाद रॉकेट पृथ्वी की ओर लाया जाएगा और 516 से 528 किलोमीटर तक इसकी जो है ऊंचाई होगी।